क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए लेसन नंबर 7 हमारा चल रहा है, इसका नाम है भू आकृतियां तथा उनका विकास। देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं बर्फीले क्षेत्र के अंदर एक आकृति है, उसका नाम है यस्कर, जो कि निक्षेपित स्थल स्वरूप का एक आकार है। मतलब जब बर्फ आपके जमाव का काम करती है, जब बर्फ का पानी पिघलता है और उस बर्फ के पानी के साथ में बड़े बड़े गोलाश्म, चट्टानी टुकड़े, छोटे मलबे, ये सारा का सारा जलधारा के साथ में, मतलब बर्फ के पानी के पिघलने से वो धारा जो बनती है और उस धारा के साथ में जब बड़े चट्टानी टुकड़े, ठीक है, मलबा कुछ भी हो सकता, मलबे के अंदर चट्टानी टुकड़े बर्फ के साथ में बहकर और एक स्थान पे जमा हो जाते हैं, तो जमने से मतलब निक्षेपित होने से कहां पर, बर्फीले क्षेत्र के अंदर एक आकृति बनती है, उसको बोलते हैं यस्कर। ठीक है, यस्कर होता क्या है? देखिए ग्रीष्म ऋतु जब आती है, जब गर्मी का मौसम आता है, तो हिमनद जो होती है, मतलब बर्फ की नदी होती है, उस बर्फ की नदी के पिघलने से जल जो होता है वो हिमतल के ऊपर से प्रवाहित होता है। मतलब ये आप कह सकते हो, कैसे, एक इस लाइन को देखिए, पहले मैं इस लाइन को लिख देता हूं, फिर इस लाइन को समझेंगे क्या कह रहा है ये। ठीक है, क्या कह रहा है ये, ग्रीष्म ऋतु में हिमनद के पिघलने से, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु जब आती है तो हिमनद जो होती है, मतलब बर्फ की नदी जो होती है, उसके पिघलने से, अब वो पिघल गई नदी, अब होगा क्या, पिघलने से आपका जो जल है, ठीक है, जल हिम तल के ऊपर से प्रवाहित होता है। मतलब ये कहना चाहता है कि आपकी ये नदी है, ठीक है, अब इस नदी का ऊपर का भाग ये है बर्फ का, ये बर्फ की परत है, ठीक है, अब इस बर्फ का पानी जब पिघलता है तो छोटे छोटे छिद्रों से ये नीचे की ओर पानी आ जाता है इस तरीके से। अब अगली लाइन यही कहेगी आपको, क्या, इसके किनारे से रिश्ता हुआ, मतलब ये जब ये पानी पिघलता है, ऊपर का पानी, ये बर्फ की परत है, ये क्या है, परत, मतलब पहले तो ये बर्फ की एक परत है, हिमनद है, और जब गर्मी की ऋतु जब आती है तो ऊपर का पानी जब रिश्ता हुआ नीचे की ओर आ जाता, अब ये हिमनद का तल है, ठीक है, ये क्या है, हिमनद का तल, ठीक है, इस तल के ऊपर ये पानी आ जाता है इस तरीके से, ये आ जाता है इस तरीके से, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, दूसरी लाइन सुनिए, इसके किनारों, किनारा का मतलब ये, इनके जो किनारे होते हैं, किनके किनारे, अब जो पानी यहां पर पिघला है वो इनकी ही सतह से, किनारों से पानी कहां आता है, नीचे की ओर आता है। देखो क्या कह रहा है, इनके किनारे से रिश्ता हुआ, रिश्ता हुआ, अब ये पानी, ये जो बर्फ है, ये बर्फ जब गर्मी ऋतु आती है तो ये बर्फ पिघलती है और फिर रिश्ता हुआ नीचे की ओर, नीचे की ओर रिश्ता हुआ, या फिर हम कह सकते हैं इसको, ऐसे कह सकते हैं कि बर्फ के छिद्रों से नीचे आता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये बर्फ की परत है, इमेजिन कीजिए थोड़ा सा, ये नीचे की हिमतल की सतह है और ये बर्फ की ऊपर की, मतलब मोटाई है, ये ऐसे मोटाई है, अब ऊपर की जब परत पिघलती है तो छोटे छोटे छिद्रों से, या लिख दीजिए, क्या लिखोगे, बर्फ के छिद्रों से जल, ठीक है, बर्फ के छिद्रों से जल नीचे तल में आकर एकत्रित हो जाता है। अब देखो क्या हुआ, ये आपकी बर्फ की परत है, गर्मी की ऋतु आती है, ये बर्फ पिघलने लगती है और फिर छोटे छोटे छिद्रों से ये पानी ऊपर से रिश्ता हुआ नीचे की ओर आ जाता है इस तरीके से, और ये पानी यहां पर क्या हो गया, स्टोर हो गया, इकट्ठा हो गया इस तरीके से, समझ में आई बात, स्टोर हो गया। अब देखिए क्या हुआ फिर, अब स्टोर होने के बाद में यह जल हिमनद के नीचे एकत्रित होकर बर्फ के नीचे एक जल धारा के रूप में, कह दीजिए या नदी धारा के रूप में प्रवाहित होने लगता है, इस तरीके से ये क्या करेगा, बहने लगेगा इस तरीके से, समझ में आ गई बात, बिल्कुल सिंपल सी बात बताई है मैंने,
क्या बताया कि ग्रीष्म ऋतु में हिमनद के पिघलने से जल हिमतल के ऊपर से प्रवाहित होता है, मतलब ऊपर से पानी पिघलेगा और फिर इसके किनारे से रिसता हुआ या फिर बर्फ के छिद्रों से जल नीचे तल में आकर एकत्रित हो जाता है, मतलब ऊपर से पिघलकर नीचे छोटे छोटे छिद्रों से नीचे आ जाता है और इस तल के ऊपर पानी क्या हो जाता है, एकत्रित हो जाता है और फिर बहने लग जाता है। समझ में आई बात? अब अगली लाइन इसमें ये लिखेंगे क्या, यह जल, ठीक है, यह जल हिमनद, ठीक है, हिमनद के नीचे नीचे आकर एकत्रित होकर हिम नदी के रूप में, मतलब बर्फ की नदी के रूप में, ठीक है, या कह दीजिए हिम नहीं बर्फ बोलो आप, हिम या होकर नदी धारा, नदी धारा के रूप में प्रवाहित होने लगता है, मतलब पानी नीचे आता है और फिर यह बहना शुरू कर देता है, नीचे ही नीचे, ऊपर परत रहती है। आपने देखा होगा कई मूवियों में, पिक्चरों में देखा होगा कि एक बर्फ, आप ऊपर बर्फ पे चलते हो और नीचे की साइड पानी बहता रहता है, देखा होगा आप लोगों ने कई बार कि बर्फ के ऊपर आप चलते हो, कांच की बर्फ बिल्कुल सपा बिल्कुल दिखाई देता है, नीचे पानी बहता हुआ, उस कंडीशन के अंदर पानी बहता है, कई मूवियों में ये सीन आपने देखा होगा, ठीक है। अब ऊपर से पानी जब नीचे आ जाता है और इस तल के ऊपर जब बहने लगता है, यहां तक समझ में आ गया, अब आगे सुनिए, ऐसी नदियां नदी घाटी के ऊपर बर्फ के किनारे वाले तल में प्रवाहित होती है, मतलब ये कि ये जो पानी है वो हमेशा बर्फ के नीचे, ऊपर बर्फ है, देखो ये ऊपर बर्फ है और पानी कहां बह रहा है, तल के ऊपर, समझ में आई बात, यहां तल के ऊपर बह रहा है, ठीक है, लिख दीजिए, ऐसी नदियां, अब ये नदी बन गई, ये क्या बन गई, ये नदी बन गई, ऊपर से पानी रिसता हुआ आ रहा और ये नीचे नदी बन गई, तल के ऊपर बन गई, ठीक है, ऐसी नदियां नदी घाटी, ठीक है, घाटी के ऊपर, समझ में आई बात, ऊपर बर्फ के किनारों से, ठीक है ना, जो अगल बगल या छोटे छोटे छिद्र जो है उन किनारों वाले, किनारों वाले तल, अब तल कहां पर है, ये तल, ये रहा, ठीक है, इस तल में क्या होता है, प्रवाहित होती है, इस तल में प्रवाहित होती है, मतलब ऐसी नदियां जो ये पानी ऊपर से रिसता हुआ नीचे आया और इस तल के अंदर, ऐसी नदियां नदी घाटी के ऊपर बर्फ के किनारों वाले तल में प्रवाहित होती है, मतलब ऊपर का पानी नीचे की ओर इन किनारों से होता हुआ छोटे छोटे छिद्रों से नीचे होते हुए और इस स्थान के ऊपर बहना शुरू हो जाता है। यह जलधारा अपने साथ में अब क्या लेके आती है, कंकड़ पत्थर गोलाश्म छोटे चट्टानी मलवा, अब भाग कर लेके आएगी, अब देखो अब ये जब बहेगा पानी तो अपने साथ में मोटे मोटे पत्थर लेके आएगी, ठीक है, लिखेंगे यह जलधारा, ठीक है, यह जलधारा अपने साथ छोटे बड़े गोलाश्मीय चट्टानी टुकड़े साथ लाती है, समझ में आई बात, साथ लेके आती है और बहाकर ले जाती है, लाती है, समझ में आई बात, चलो यहां तक समझ में आ गया। अब बात, अब देखो बहकर आ गया ना, अब हम बात करेंगे निक्षेपित की। अब तक तो पानी ऊपर से रिसता हुआ नीचे आता है और एक नदी की धारा बन जाती है और ये धारा क्या काम कर रही है, अपने साथ में बड़े छोटे गोलाश्म चट्टानी टुकड़ों को बहाकर ये लेके आती है। अब देखो ये मोटे मोटे चट्टानी टुकड़े मैं बना देता हूं, ये मोटे मोटे चट्टानी टुकड़े पानी के साथ में बहकर आना शुरू हो जाते हैं इस तरीके से, ठीक है, अब ये पानी के साथ में ये मोटे मोटे चट्टानी टुकड़े बहकर आना शुरू हो जाते हैं। अब क्या होता है, चलिए यहां तक समझ में आ गया, यहां तक आप उतार लीजिए, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब मैंने क्या बताया, पानी के साथ में ये छोटे बड़े गोलाश्म पत्थर बह के आ रहे हैं, अब क्या होगा, जो हिमनद, ठीक है, जो हिमनद के नीचे, मतलब बर्फ के नीचे जो तल है उस नीचे, जो हिमनद के नीचे इस
बर्फ के साथ में अब क्या होता है, वो घाटी में जमा हो जाती है। जैसे ही धारा धीमी पड़ती है, पानी का बहाव धीमा पड़ता है, तो ये क्या करती है, ये नदी जो बर्फ की नदी है, जो हिमनद के नीचे इस बर्फ की घाटी में, बर्फ की घाटी में ये चट्टानी टुकड़े जमा होना शुरू हो जाते हैं। बोलिए आगे बात सर में। कहने का मतलब यह है, देखो सिंपल सी बात बताइए, ऊपर बर्फ की परत है, नीचे हिमनद का तल है, ऊपर से गर्मी ऋतु आती है, ग्रीष्म ऋतु, तो पानी पिघलना शुरू होता है बर्फ का, और छोटे छोटे छिद्रों से पानी नीचे की ओर आ जाता है और एक धारा बन जाती है, पानी बहना शुरू हो जाता है। इसमें छोटे मोटे जो चट्टानी टुकड़े वो भी बहना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही जलधारा धीमी पड़ती है तो हिमनद के नीचे इस बर्फ की घाटी के अंदर, ये घाटी है आपकी, ये बर्फ की जगह है जो है ना, ये चट्टानी टुकड़े जमा होना शुरू हो जाते हैं। घाटी तो आप सब जानते हैं, देखो इस तरीके से घाटी होती है, ऐसी यू आकार की घाटी। अब पानी देखो इसमें से बहका आ रहा है, तो ये जो तल होता है इसका जो किनारा वाला पार्ट है, यहां पर ये छोटे मोटे चट्टानी टुकड़े क्या हो जाते हैं, ये जो चट्टानी टुकड़े आए वो घाटी के नीचे यहीं पर क्या हो जाते हैं, वो जमा होना शुरू हो जाते हैं। ये बर्फ के पिघलने के बाद होता है, पानी के साथ बहकर आए चट्टानी टुकड़ों के जमाव से होता है। कई बार अब देखो ये जो एयस्कर होते हैं, ये एक कटक का रूप का, मतलब चट्टानी टुकड़े जो जमा होते हैं एक वृत्ताकार कटक के रूप में मिलते हैं। वृत्ताकार कैसा होता है, देखिए इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से, ऐसे इस आकार में, इसे बोलते हैं वृत्ताकार। इस आकार के अंदर ये चट्टानी टुकड़े जमा होते हैं, लिख देंगे क्या, ये बर्फ पिघलने के बाद, ठीक है, पिघलने के बाद किस आकार में लेंगे, एक वृत्ताकार रूप में, यह वृत्ताकार कटक के रूप में जमा हो जाते हैं। मतलब जो चट्टानी टुकड़े होते हैं वो इस तरीके से, कुछ इस तरीके की आकृति में क्या होते हैं, वो जमा होते हैं, और इन्हीं को हम बोलते हैं, जिन्हें एयस्कर कहते हैं। क्या कहते हैं, एयस्कर कहते हैं। बोलिए आगे बात समझे, इसको बोलते हैं एयस्कर। ये एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बिल्कुल सिंपल सी लाइन है। होता क्या है, ये आपकी बर्फ की परत है, गर्मी की ऋतु पड़ती है, बर्फ छिद्रों से पिघलना शुरू होता है, पानी छिद्रों से होता हुआ नीचे आ जाता है, ये आपका नदी का तल है। बर्फ का पानी यहां से एक धारा बना लेता है इस तरीके से, और जब धारा बहती है तो मोटे चट्टानी टुकड़े इस धारा के साथ बहने लगते हैं, और ये धारा बहती हुई जब घाटी में आती है, ठीक है, ये घाटी आपकी यू आकार की घाटी, अब ये मोटे कंकड़ पत्थर देखो ये आ गए, और ये इस तरीके से धारा इस तरीके से आती है ऐसे, और यहीं पर ये किनारों पर इनको क्या कर देती है, जमा कर देती है। जमा करने की स्थिति ये इस प्रकार की होती है, कई बार वृत्ताकार। ध्यान रखना, एयस्कर जो बनते हैं वो हमेशा वृत्ताकार कटक के रूप में बनते हैं। कटक क्या होते हैं, ऊबड़ खाबड़ चट्टान का जमाव। जैसे एक पर्वत होता है, पर्वत भी ऊबड़ खाबड़ होते हैं, लंबी श्रृंखला बन जाती है, उसको हम कटक का तो नाम देते हैं। वैसे ही आपकी जो नदी, बर्फ की नदियां जो आती है वो अपने साथ एक कंकड़ पत्थर लेके आती है, तो उनका जमाव इस प्रकार वृत्ताकार रूप में नदी घाटी के रूप, नदी घाटी वाले तल के अंदर वो जमा कर देते हैं वृत्ताकार रूप में, वृत्ताकार कटक के रूप में जमा कर देते हैं। इसी वृत्ताकार कटक का रूप जो धारण करते हैं उन्हें हम एयस्कर का नाम देते हैं। समझ में आई बात, बिल्कुल सिंपल सी ये परिभाषा है। यहीं पर अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसको हमने आज बताया एयस्कर के बारे में, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से आप रिपीट करके देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।